गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जनरल रिएक्शंस ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, जो मेन रिएक्शन है इसका सॉल्ट फॉर्मेशन। हम जानते हैं कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड अम्लीय प्रकृति का है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये बेस के साथ क्रिया करके सॉल्ट बनाता है। एल्कली मेटल जो है, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो सॉल्ट देता है वो आयनिक इन नेचर होता है। परंतु यदि हैवी मेटल्स है, जैसे कि सिल्वर है, मरकरी है, लेड है, इनके इनके जो बेसिस है, इनके जो क्षार है, यदि ये एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो सॉल्ट जो देते हैं, उन सॉल्ट का नेचर जो है वो कोवैलेंट कैरेक्टर का या कोवैलेंट नेचर का होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सॉल्ट्स हैविंग एल्काइल चेन्स लॉन्गर देन 6 कार्बन एग्जिबिट अनयूजुअल बिहेवियर इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफिलिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोफोबिक एल्काइल रीजन्स इन द सेम मॉलिक्यूल। तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड के अंदर CO2 भी है और जो है CO2 जो है वो हाइड्रोफिलिक है, मीन्स ये वाटर लविंग है, और हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप भी है जो कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर है। तो इन दोनों के रहते हुए इस मॉलिक्यूल को एम्फीफिलिक, एम्फी का मतलब दोनों या बोथ, या एम्फीफेटिक कहा जाता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द हाइड्रोफिलिक पोर्शन, जो OH ग्रुप है, और दूसरा जो है हाइड्रोफोबिक मीन्स एल्काइल ग्रुप है, पर यहाँ पे हम सिर्फ OH ग्रुप मीन्स जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है उसको हम यदि उसकी जो प्रकृति कैसी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि दे फॉर्म मोनोलेयर्स ऑन द वाटर सरफेस, जो जल के सतह पे ये मोनोलेयर्स बनाते हैं, या फिर ये स्फीयर लाइक क्लस्टर्स कुछ जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको मिसेलस कहते हैं, और वो सॉल्यूशन के अंदर होता है। दे आर कॉल्ड मिसेलस इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो RCO और OH है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस हाइड्रोजन को हटा कर या सब्स्टिट्यूट करके किस तरह के जो है रिएक्शंस होते हैं। तो दिस रिएक्शन क्लास कुड बी टर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और यहाँ पे जो ई को हम इलेक्ट्रोफाइल मान के चल रहे हैं। यदि ई मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल है, यदि स्ट्रॉन्ग है, हम अभी देखेंगे रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन में जो है इट विल अटैक द न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर वो अटैक करेगा, और पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट देता है जो कि अब प्रोटोन को लूज करके ये फाइनल प्रोडक्ट देता है। यदि इलेक्ट्रोफाइल वीक हो तो जैसे कि एल्काइल हैलाइड्स है, तो तब ये जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड है ये कन्वर्ट होता टू द मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बोऑक्सिलेट एनायन टू फैसिलिटेट द सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो जो इलेक्ट्रोफाइल, जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है जो रिएक्शन करता है, ये हम सेकेंड और थर्ड रिएक्शन में हम देखेंगे। ये रिएक्शंस है, जो फर्स्ट रिएक्शन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर ये अटैक करता है, और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। सेकेंड और थर्ड रिएक्शन में हम देखेंगे कि ये इसके साथ ये रिएक्ट करता है, तो ये नेगेटिव हाइड्रोजन को हटाकर ये सोडियम यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे ये सिल्वर जुड़ा, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना,
और जब एक मिथाइल आयोडाइड एल्काइल हैलाइड के साथ ये जब रिएक्ट करता है तो SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है और ये सोडियम को हटा के ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके साथ ये जुड़ जाता है और ये सोडियम आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो है निकल जाता है। फोर्थ रिएक्शन जो है ये डाइजो मीथेन के साथ रिएक्शन है। डाइजो मीथेन का जो फॉर्मूला है वो CH2N2 है, ना जहाँ जिस भी कंपाउंड में दो नाइट्रोजन एटम जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़ा हुआ रहता है मीन्स N2, तो उसको हम डाइजो कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो है मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसलिए डाइजो मीथेन। ये रिएक्शन जो है ईथर के प्रेजेंस में होता है, तो जब डाइजो मीथेन के साथ रिएक्ट होता है तो नाइट्रोजन जो है ये गैस निकल जाएगी और ये जो है इस H के साथ ये जुड़कर ये CH3 जो है इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो हमने फोर्थ रिएक्शन में देखा है डाइजो मीथेन का हमने यूज़ लिया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एस्टर। द टॉक्सिक एंड एक्सप्लोसिव गैस इज ऑलवेज यूज एज एन ईथर सॉल्यूशन। द रिएक्शन इज इजीली फॉलोड बाय द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस निकलती है और जो रिएजेंट का जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। दिस रिएक्शन इज बिलीव टू प्रोसीड बाय द रैपिड बॉन्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल टू द कार्बोक्सिलेट एनायन। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है और ये कार्बोक्सिलेट एनायन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। पहले रिएक्शन का हम यदि मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में ये जो है एल्कीन है, एल्कीन का जो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम एक जुड़ा एक जो है निकला और ये इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन जो नेगेटिव है पोर्शन है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। इस ऑक्सीजन जो नेगेटिव इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ जाता है और फिर यहाँ पे ये जो है रेजोनेंस होता है तो ये पॉजिटिव जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में OH का H को सब्स्टिट्यूट जो है एल्काइल ग्रुप के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ रिएक्शन हमने देखा था डाइजोमीथेन के साथ जो कार्बोक्सिलेट एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो नाइट्रोजन जो है इसमें भी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है और फिर ये इसके साथ रेजोनेंस हाइब्रिड इसके साथ ये रिएक्ट करता है और फिर SN2 या SN1 दोनों ही मैकेनिज्म से नाइट्रोजन मैकेनिज्म से हमें जो है ये सॉल्ट हमें मिलता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाता है और H को हटाकर एल्काइल ग्रुप जो है ये जुड़ जाता है। तो एल्काइंस में ऑल्सो सर्व एज इलेक्ट्रोफाइल्स इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दिस काइंड। इस तरह के रिएक्शन में एल्काइंस का भी हम यूज ले सकते हैं। इंट्रा मॉलिकुलर कार्बोक्सिल ग्रुप एडिशन टू एल्कीन जनरेट साइक्लिक एस्टर नोन एज लेक्टॉन्स। तो यहाँ पे ये सिंपल एस्टर बनता है। यदि एस्टर यदि साइक्लिक रूप में है तो उसको हम लेक्टॉन्स कहते हैं और ये लेक्टॉन्स जो है ये 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड दोनों ही हो सकते हैं और कॉमनली जो है इनको लेक्टॉन्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज सच एज एसिड्स और हेलोजन्स आर नेसेसरी इनिशिएटर्स ऑफ लेक्टोनाइजेशन। यदि वीक इलेक्ट्रोफाइल भी है तो वो भी इनिशिएट कर देता है, जैसे कि आयोडीन यदि लेते हैं तो वो इनिशिएट कर देता है आयोडोलेक्टोनाइजेशन के लिए, जो कि अनसैचुरेटेड एसिड्स है उनके आयोडोलेक्टोनाइजेशन के लिए वो इनिशिएट कर देता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी हमने लिया था कि OH का H हटाकर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, अब यहाँ पे पूरा OH जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख रहे हैं SOCl2 के साथ इसका रिएक्शन करते इसको गर्म करते हैं तो एक अनदर जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। क्लोरीन जो है इस OH को सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह ले लेता है और HCl और सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलता है।
इसी तरह से इस रिएक्शन के अंदर टोल्यून और 110 डिग्री सेंटीग्रेड में जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एक ये जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है इसके साथ अटैच हो जाता है। इस रिएक्शन के अंदर भी जो दो मॉलिक्यूल है ये आपस में एक साथ ये जुड़ जाता है जब ये P2O5 के साथ गर्म करते हैं और फॉस्फोरिक एसिड जो है हमें मिलता है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो हमें एस्टर प्राप्त होता है और ये जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन या एस्टर रिएक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एग्जाम में पूछा। यदि हम मेकानिज्म देखते हैं एस्टरिफिकेशन का तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है सबसे पहले जो है ये H प्लस इसके साथ और H माइनस जो है इसके साथ जुड़ के जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और फिर ये बेस के साथ ये रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन नेगेटिव है ये कार्बन जो है पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि ये बॉन्ड इधर जाएगा तो कार्बन पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे जो है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है और फाइनली जो है हमें एस्टर मिलता है। अब ये इस अभिक्रिया में लंबे समय तक ये सोचा जाता था कि अम्ल का प्रोटोन व अल्कोहल का OH ग्रुप मिलकर जल का अणु बनाते हैं किंतु इसके लिए इसको फाइनली मतलब इसको इसको प्रूव करने के लिए O18 आइसोटोप लिया गया और O18 आइसोटोप का जब क्रिया किया और रिएक्शन को देखा गया तो ये ज्ञात हुआ कि अभिक्रिया में जल का अणु बनने में अल्कोहल एक प्रोटॉन देता है मीन्स हाइड्रोजन देता है और अम्ल जो है वो OH समूह देता है। तो ये ध्यान में रखना कि एसिड से OH आता है और बेस से H आता है और ये मिलके वाटर जो है ये देते हैं। तो हमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर और वाटर हमें प्राप्त होता है और वाटर के अंदर जो है H जो है ये बेस से आता है और एसिड से OH ग्रुप आता है। जब रिएक्शन के अंदर जब ये वाटर बनता है और इसको वाटर को रिमूव करके रिएक्शन को स्टॉप कर दिया जाता है तो पोस्ट स्टॉप जिसे कहते हैं तो उस तरह के एस्टरिफिकेशन को फिशर एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। और परंतु यदि हम एक्सेस वाटर को ऐड करके ये रिएक्शन करवाते हैं तो उसको एसिड कैटलाइज्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। यदि रिवर्स रिएक्शन करते हैं मीन्स हम इसको ऐड कर रहे हैं वाटर को यहाँ पे हम वाटर को निकाल रहे हैं रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो इसलिए इसको एसिड कैटलाइज्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिड्यूस करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। RCOH को ये हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्रोजन देता है तो हमें जो है प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए तो उस अभिक्रिया को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ से CO2 निकला तो हमें एल्केन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल गया। ये सोडियम सॉल्ट लेते हैं और ये सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मीथेन गैस और हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ये CO2 जो है यहाँ से ये निकल जाता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपके आगे जो है ये डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स है, हेलो एसिड्स है, हाइड्रोक्सी एसिड्स है, फिर इसके बाद सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू।